गाइस गुड मॉर्निंग बोलो राधे 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 करो सबसे राधे राधे नाना जी पहले राधे राधे करो हे गाइस गुड मॉर्निंग राधे राधे करो जय श्री कृष्णा यम्मा छम्मक छल्लो कैसे यम्मा छम्मक छल्लो। सो गाइस मॉर्निंग का समय 6:05 बजे हम उठे हैं अभी फिलहाल 6 बजे सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकला है वरना यहाँ पे 6:30 बजे तो बहुत धूप आती रहती है आप देख सकते हैं अंधेरा है सब जने उठ गए हैं तैयारी में लग गए हैं आज से फंक्शन शुरू होने वाले हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी बट कुछ कुछ की जो मुझे प्यार करते हैं सपोर्ट करते हैं जो मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं उनके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। सो स्टार्ट ठीक है और वीडियो में एंड तक देखना बहुत मज़ा आएगा आपको। क्या हो रहा है अभी दिखाती हूँ ये देखिए उठकर झाड़ू लगा दिया है और ये हमारे मेहमान आ चुके हैं जो आटा लगा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर सब्जी बन रही है इतनी जल्दी लग रही है। आज मेरी शादी की सालगिरह है तो आप मुझे विश कर सकते हो। देखिए टाइम अब मैं क्या करूँ चुल्लू लगाई दो रोटी बनाऊँ नहीं। सो गाइस आपको शादी की वीडियो बहुत लेट मिलेंगे बट वीडियो में बहुत कुछ शूट होगा जैसा भी शूट होगा हम आपको पूरी शादी एंजॉय कराएंगे बस आप कंटिन्यू रहना वीडियो में। सो गाइस यहाँ मॉर्निंग का समय हो रहा है मम्मी और किट्टू के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड घर नहीं है क्योंकि चले गए हैं मौसी के वहाँ कुछ फंक्शन है तो सारा काम हमें ही उठ कर करना है जल्दी जल्दी क्योंकि आज से शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएगा हल्दी लगन झेलना गणपति जी पूजा और हल्दी सेरेमनी तो इसी वजह से हम सब जल्दी उठ गए थे और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मम्मी होती तो और भी बहुत मदद हो जाती मतलब उसके बुर से छोड़कर हम और आज ही मेहंदी वाली भी आने वाली है मेहंदी भी आज ही लगने वाली है तो सूरज तो आपने देख ही लिया जस्ट अभी ही निकला और उससे पहले हम मतलब कितना ही काम निपटा चुके हैं। और अगर मेरी मासी के वहाँ फंक्शन नहीं होता तो यानी कि 21 तारीख से फंक्शन शुरू है तो 20 तारीख को ही मेहमान आ जाते मतलब बहुत सारे तो बट फंक्शन इस साल बहुत ज़्यादा है तो बेचारे मेहमान भी क्या करे सब जगह अटेंड करना पड़ता है। गाइस खाना पीना हो गया है मतलब बना के रख दिया और मैंने तो एक रोटी खा भी ली और मैं जा रही हूँ मेहंदी वाली को लेने और ये देखिए हेलो एप्पल खा रहे हो कितने गंदे हो रहे हो सब नहा लिए बस मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं तो मैं मेहंदी वाली को लेकर आकर फिर नहलाऊंगी इनको भी और मेज में। सो गाइस मैं चली गई थी मेहंदी वाली को लेने के लिए बाइक से 4 जने हमने बुक किए थे मतलब लड़कियाँ जो है 4 जनों को बुलाया था बट हमें फिर बाद में पता चला कि मेरी मासी के वहाँ भी फंक्शन है तो सारे मेहमान वहाँ चले जाएंगे तो आज कोई नहीं है तो उसी वजह से फिर 2 को ही बुलाया तो बस यहाँ पर हाथ सिलेक्ट हो रहा है कि कैसे क्या बनाने हैं और हम दोनों ही बैठ गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। घर का सारा काम कर तो दिया है पर फिर भी कोई आता है जाता है तो बीच बीच में उठना भी पड़ता है और ये रही छोटी की मेहंदी मतलब पूरी नहीं हुई इनका तो बहुत टाइम लगेगा इसका तो तब तक मेरा तो दोनों हाथ कंप्लीट हो जाएगा और दिन तक तो मम्मी और हस्बैंड जी आ भी जाएंगे तो उनके तो बन जाएंगे बाकी अगर और भी मेहमान आ जाते तो शायद सबके ही बन जाते बट अभी बस मेरे ही बन रहे हो और हस्बैंड जी के बन रहे मतलब सविता के बन रहे जो दुल्हन है तो इसके थोड़े ट्रिफिकल है तो इसका तो बहुत टाइम लगेगा मतलब शाम तक इसके तो मेहंदी ही लगेगी। और ये देखिए मेरे दोनों हाथों पर लग चुकी है मेहंदी बस अब पैरों पर लग रही है और बार बार मम्मी को फ़ोन लगा कर पूछ भी रही हूँ कब तक आ रही है वो। शादियों में ये हाल होता है हमारा देखिए हल्दी फंक्शन शुरू होगा आज शाम को और आज पार्सल आया है इतना लेट हमें याद आया है पार्सल का लाइटें लग गई है कुछ भी नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं मेहंदी में लगी थी। चाहे हम कितनी ही शॉपिंग कर लो शादी वाले घर में और अगर एक इंसान पर सारी जिम्मेदारी होना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हम हल्दी वाला हार ही भूल गए थे तो हमने बस एक 6 दिन पहले ही याद आया और 6 दिन पहले ऑर्डर किया तो फाइनली आज आ गया बहुत खुश हुई देखकर कि यार चलो फाइनली आ तो गया और आज शाम को हल्दी
है, तो ऐसा तो बहुत डर लग रहा था, बट आ गया तो अच्छा, खुश हो गए सब। और छोटी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई। बट उसके बाद में मम्मी और हस्बैंड जी भी आ गए थे, आकर थोड़ी देर बैठे ही थे कि फिर बस इनका भी नंबर लग गया मेहंदी का, क्योंकि जो लड़कियां हैं मेहंदी बनाने वाली, ये सुबह से 7:30-8 बजे की आई है, यानी कि मैं ही लेकर आई थी इनको, तो इनको शाम हो गई थी इस वजह से। सो गाइस, यहाँ मेरी मेहंदी सूख चुकी है और सामान भी आना शुरू हो गया है। और हाँ, आपको मेरी मोबाइल की क्वालिटी कैसी क्या लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि ये न्यू मोबाइल लिया है मैंने और उसी से वीडियो शूट कर डाल रही हूँ शादी का। हालांकि हमेशा तो जो मेरा पुराना मोबाइल है वही यूज़ करूँगी, बट अभी शादी में 2-2 मोबाइल नहीं संभाल सकती मैं, इस वजह से बस एक ही मोबाइल यूज़ कर रही हूँ अभी, नया वाला। ये शादी के लिए खास करके लेकर आई हूँ फ़ोटो वीडियो के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी, बहुत कुछ सोचा था, खैर वो मैं आगे बताती हूँ आपको। और अभी भी मैं रात को एडिटिंग कर रही हूँ, आधी शादी मतलब पूरी हो गई है। और यहाँ पर मेहंदी वाले काम कर रहे थे और ज़ोरों से लगाई थी भूख, क्योंकि हमने सुबह सुबह जल्दी खाना खा लिया था, तो यहाँ मैंने फटाफट से चावल बना दिए और आम का जूस निकाल देती हूँ, जिसको जो पसंद होगा वो खा लेगा, चावल के साथ जूस भी खा लेगा, मतलब चावल में जूस डालकर भी खा सकते हैं और अगर ऐसे भी खाली जूस भी पी सकते हैं। तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं हो पाया, तो यही चीज़ें मैंने नाश्ते में बना दी थी। और जो मेरी दीदी की लड़की है और जो मेरी एक ननंद की लड़की है, उन्होंने आम छील गए थे, तो ये काम हो गया, बाकी हम भूखे ही रहते। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है, तो सबसे पहले दे देती हूँ मैं लड़कियों को। सो गाइस, आज हमने पूरे गांव में शेर से बैठा किया है रेडी होकर, ये देखिए, क्योंकि पूरे गांव में हमने बुलावा दिया है, हल मतलब मेहंदी चढ़ाने का कार्यक्रम होगा आज, लगन का कार्यक्रम होगा, फिर जैसे कि शाम को हल्दी का फंक्शन होगा और सुबह माता जी पूजन होगा, तो तीनों चारों एक ही साथ मैंने बुलावा दे दी। और मेरी बुआ मेरे साथ है, वो बुआ जी भी आ गए थे, जल्दी जल्दी मैं मिलवा नहीं पा रही हूँ, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सो गाइस, मेरी हालत देखो आप। हाँ, अब निकलेगा परमिला, साड़ी पहनी है मैंने फर्स्ट बार इस गाँव में। गाइस, यहाँ पर मतलब शाम हो गई है और आज ही मेहंदी चढ़ेगी और सुबह माता पूजन है, तो माता पूजन के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ ढोकले बनाए जाते हैं, जो भी महिला आती है सुबह माता जी पूजन गाँव के, उनको बांटने के लिए और माता जी को पूजने के लिए। तो फंक्शन सारे शुरू हो गए हैं और ये देखिए इतना सा भी टेंट लगा है, ज़्यादा तो नहीं लगा पाए, मतलब पूरा है ना, लास्ट दिन ओपन रखेंगे तो बस। और यही कुछ माहौल था। अभी तो 21 तारीख है और 22-23 बहुत दिन पड़े हैं, शाम तक तो मेहमान आ ही जाएंगे। और ये देखिए साथ ही साथ मैं बाटी भी बना लेती। और हाँ, ढोकले बनाने से पहले है ना मेहंदी चढ़ा कर आए थे माता जी को, बट मैं शूट नहीं कर पाई, और मोबाइल भी नया है तो हर किसी को पकड़ा भी नहीं सकती शूट करने के लिए, पता नहीं गिर गुरा गया तो अभी नुकसान हो जाएगा, हर बारात में ऐसे काम हो ही जाते हैं, तो इसी वजह से शादी का बहुत कम चीज़ें मैं शूट कर पाई हूँ। सो यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है और खाना वाना खा के बस शाम को लगन झेलने की तैयारी करेंगे, फिर उड़ते आ जाएगी सारी। तो यहाँ पर लगन मंदिर से ढोल के साथ लेकर आ गए थे, जैसा कि मैंने बताया शूट नहीं कर पाई मैं वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर छोटी लगन झेल रही है। उसके बाद में ये देखिए हल्दी फंक्शन शुरू हो गया है, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ चीज़ें शूट हो पाई है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आज के दिन जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो जब मम्मी और हस्बैंड जी आए थे मतलब मेरी मौसी के वहाँ से, तो मैंने केक भी हस्बैंड जी से मंगवा लिया था, तो चलिए केक कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है और आज ही मैं फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ म्यूज़िक के साथ, अगर मतलब म्यूज़िक कम कर रखा है और थोड़ी सी वीडियो की स्पीड भी बढ़ा रखी है, अगर आज कॉपीराइट नहीं आएगा मतलब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आगे से देखती हूँ मैं क्या सॉन्ग नहीं डालूँगी
और अगर ऐसा वैसा थोड़ा बहुत सॉन्ग चलता होगा तो डालने की कोशिश करूँगी, बट है ना यूट्यूब का एक गाइडलाइन है, सॉन्ग हम यूज़ नहीं कर सकते अपने वीडियो में यानी कि ब्लॉग में, वरना कॉपीराइट आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर फंक्शन हमने सारे कुछ बारी बारी से छोटी को हल्दी लगा दी थी, ये हमारे लास्ट मोमेंट है और इसके बाद होगा बस नाच गाना। और हाँ औरतें भी बहुत सारी आई थी, चली गई, बहुत सारी तो नहीं आई थी, थोड़ी बहुत ही आई थी, मतलब जो हमारे समाज की रहती है ना वही आई थी, बट मैं उनको दिखा नहीं पाई आपको। और थोड़ी देर के लिए आई थी बस क्या बोलते हैं गीत गाने के लिए। तो चलिए अब डांस सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे हल्दी मेहंदी का, बट इस टाइम आपको पता है फ़ोटो वाला भी नहीं आ पाया हमारे, क्योंकि 2 महीने पहले बुक करवाया था फिर भी वो नहीं आया, उसने भी हमें धोखा दे दिया। मैं आपको क्या बताऊँ मेरी स्टोरी, अभी आप डांस सीखे करिए। डांस के हमारे वीडियो थे उनकी मैंने थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाई है, उस वजह से आपको थोड़े से फुल मोशन में दिखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्लो करना है तो आप वीडियो देख लेना, थोड़ा सा स्लो करके तो आ जाएगा समझ में, बट इंजॉय बहुत हुआ। हस्बैंड जी को डांस नहीं आता इस वजह से हमारे साथ उन्होंने डांस नहीं किया, बहुत कोशिश की कि उनके साथ एक अच्छा डांस करूँगी बट नहीं हो पाया। खैर हमारा एंजॉय बहुत हुआ, तो इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको अब आगे शेयर करूँगी। तो आई होप आपको जिस घड़ी जिस पल का इंतज़ार था हमारे शादी वाले ब्लॉग का, हमारी छोटी की हल्दी सेरेमनी का, तो आपको मिल गया होगा। आशा करती हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार को चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे आगे वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, चाहे लेट हो जाऊँ बट शेयर ज़रूर करूँगी। सो राधे राधे, खुश रहिए।